अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। ईद का तीसरा दिन, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हर सैटरडे संडे आप हमारी मुलाकात होती है 11 से 12 बजे लाइव, जिसमें हम कोई ना कोई डॉक्टर को बुलाते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और साथ बात करते हैं बहुत सारे मसाइल की। तो आज ईद का दिन है और ईद के दिनों में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले होते हैं, स्पेशली जब डॉक्टर को जितने भी मुझे ईद कार्ड या मैसेजेस आए, साथ एक ना एक मसला आ गया कि मुझे दाने हो रहे हैं, पित निकल आई है, एलर्जी हो गई है, किसी का पेट खराब है। अब कहीं हॉस्पिटल वगैरह तो जा नहीं सकते, वहां पे भी डॉक्टरों की छुट्टी है, तो कहते हैं कि जो जानने वाला डॉक्टर है उसको जैसे ही मिले ना तो बस हॉस्पिटल खोल लो। इसलिए हमने सोचा कि आज हम यहां पे आते हैं ईद के तीसरे दिन और मैं घर में जितना सारी चीजें पका के भी लेकर आई हूं ताकि आपको ईद का पूरा फ्लेवर जो है वो आज आ सके। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नायला कादिर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ये भी जगमगाती हुई आज हमारे पास आई है। तो आज हम आपके सारे इश्यूज, मी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम इसको एड्रेस करेंगे। तो किसी को भी अगर इन सारे दिनों में कोई भी मसाइल हुए हैं तो आप खुल के कॉल कीजिए। किसी के गिट्टे का दर्द निकल आया, किसी के गोडे का, गिट्टे का, सारे दर्द हो गए, किसी के कमर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर नायला आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगी कि क्या करना है, कैसे फिजियो करनी है। स्पेशली लोग गोश्त काट काट के उनके कंधों में दर्द हो जाता है, और अगर आपने उससे पहले कोई फेशियल कराया या बहुत ज्यादा गोश्त खा लिया है या बहुत ज्यादा गर्मी में है और पित निकल आई है, दाने हो रहे हैं, छाइयां हो रही है, ऐसे कोई भी मसाइल है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो ईद की ढेरों खुशियां, मुबारक हो। और शुरू करते हैं डॉक्टर नायला से। कैसी हैं आप डॉक्टर नायला, पहले तो बताएं आपका ईद गुजरी कैसी? आज हम थोड़ा सा हल्का फुल्का करेंगे, ईद कैसी रही? ईद अच्छी थी। क्या किया आपने ईद पे पहले दो दिन? गोश्त खाया ढेर सारा। बहुत ज्यादा गोश्त? यस, बहुत दिनों के बाद इतना सारा गोश्त दे के वैसे ही दिल भर जाता है कि बस हो गई है। सो अम्मा को हम कह रहे थे प्लीज, ऐसा लगने लग गया कि नाश्ते में भी गोश्त मिल रहा है, प्लीज स्टॉप नाउ। सो अब आप मुझे बताएं, आपके जो पेशेंट्स हैं अब तो वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गोश्त खा लेते हैं तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, फिर लेटे भी रहते हैं तो सारे दर्द जो है वो ऑल ऑफ अ सडन ज्यादा निकल आते हैं। तो ये जो लोग बहुत ज्यादा गोश्त खा रहे थे या बहुत ज्यादा पूरा दिन गोश्त काट रहे थे, या बेचारी औरतें जो पका रही थी उनके कंधों में बड़ा दर्द हो रहा है, तो वो क्या किया करें? बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा रिपीटेटिव काम कोई करते हैं जिसमें घर की जो औरतें हैं वो खाना पकाना जैसे कि, या फिर सफाइयाँ करना, मेहमान आ रहे होते हैं ईदों पे, या फिर आप जैसे बता रही हैं कि गोश्त काटते हुए अक्सर पेशेंट्स को रिस्ट का पेन निकल आता है, जो कि पहले से प्रिवेल कर रहा होता है, पहले से मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा एग्जर्शन करते हैं ईद के दौरान, ज़्यादा काम करते हैं, तो वो बढ़ जाता है, वो दर्द खुल के सामने आ जाता है। तो वाकई ऐसा ही है, रिस्ट का पेन बहुत ज्यादा नजर आता है हमें, शोल्डर का पेन तो बहुत नजर आता है। पेन हो गया या शोल्डर का पेन हो गया, इस पे क्या लगाना चाहिए? गरम सेक लगानी चाहिए, बर्फ लगानी चाहिए, या यूजुअली हमारे यहाँ तो बस एक पेन किलर खा लेते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? जो हमारे यहाँ करते वो नहीं करना चाहिए। क्या करे? जो डिपेंड करता है कि आपका दर्द है किस वजह से। अगर तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, लेट से आपको यहाँ पर आपकी जो नर्व्स है, जो रग है, वो आपकी बंद हो रही है दो टिश्यूज़ के बीच में, तो आपको लाजमी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, वो आपको गाइड करेगा कि आपको कैसी एक्सरसाइजेज हेल्प कर सकती हैं। अगर तो मसला बहुत पुराना है तो हम उनको सर्जरी में रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो एक आसान हल है, उनके लिए एक जल्दी हल हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हल्का फुल्का काम करने की वजह से दर्द है, तो जैसे आपने कहा ठंडा टकोर कर लें, आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें, आप उस सोते हुए उस साइड पे ना सोएं, अपने तकिए के ऊपर अपने हाथ को सपोर्टेड रखें। स्पेसिफिकली कंधे की या रिस्ट की कोई एक्सरसाइज हो जैसे स्ट्रेचेस कर सकते हैं हम? आई वुडंट रिकमेंड कि खुद ऐसी एक्सरसाइजेस की जाएं जो कि यू नो मजीद प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, लेकिन स्ट्रेचेस की जा सकती हैं, बाजू को, हाँ बाजू को स्ट्रेट करके होल्ड कीजिए, जो भी आप स्ट्रेच करें उसको 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड दें, उसको पकड़ के रखें, उसको होल्ड करके रखें, तभी वो असर करती है। हम क्या करते हैं, पेशेंट कहता है मैडम मैंने 10 दफ़ा रिपीट किया था, 2 दफ़ा रिपीट किया था, 2 सेशन किए थे, कुछ हुआ नहीं, और जब मैं करवाती हूँ तो ये हो रहा होता है, या फिर दूसरी साइड। तो आप अपने जब भी स्ट्रेचिंग करें, चाहे कोई भी स्ट्रेच हो बॉडी की, आप उसको होल्ड करें, सस्टेन करें, तो फिर जाके तो हर डायरेक्शन में जिसमें आपका रिस्ट मूव करता है, जिसमें आपका शोल्डर मूव करता है, उसमें आप स्ट्रेच करें और उसको होल्ड करके रखें 10 सेकंड के लिए,
दूसरी तरफ जाएं, होल्ड करें 2 सेकंड के लिए, हाथों को दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं, हमारा हाथ सर्कमडक्शन में भी जा सकता है दोनों साइड्स पे। तो इस तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, अगर तो आपका दर्द रिपीटेटिव काम की वजह से है, लेकिन मतलब पुराना कोई मसला हो तो ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं, एक्सरे करवाएं, अपने अपने सर्जन को दिखाएं अगर आपका मसला प्रोलॉन्ग। ये तो आपने सुन ली फिजियोथेरेपी वाली बात, अब थोड़ी सी डर्मेटोलॉजी वाली बात पे आ जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो लोग गोश्त खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में फिर रहे होते हैं, तो उन्होंने रेशमी कपड़े भी पहने होते हैं, तो उनको निकल रही है पित्त, और बहुत सारे बच्चों को और बड़ों को छोटे 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 बहुत सारे दाने निकल आए। तो इसका सबसे बेहतर हल क्या है? एक तो आपने फ़ौरन अपने आप को ठंडा करना है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा नहाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के, बिल्कुल प्योर कॉटन के कपड़े पहने हैं, ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए, लूज लाइट कलर के आपने कपड़े पहने हैं। साथ जो चीजें आप लगा सकते हैं अपनी पित्त के ऊपर, उसमें एंटी इच बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैलामाइन लोशन होता है, मेंथॉल वाले आपके पाउडर्स या मेंथॉल वाली क्रीम्स होती है, कूलिंग के लिए कूलिंग एलोवेरा जेल होती है, या फिर आप कोई रोज वाटर को पानी में मतलब ठंडा रख के उसको रेगुलरली स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, साथ मसूड़े भी सूज रहे हैं, खारिश भी हो रही है, तो फिर आप कोई भी एंटी हिस्टामिन सिरप या एंटी हिस्टामिन खुद भी ले सकते हैं ताकि आपकी एलर्जी एग्रेवेट ना हो। इसके ऊपर खास ख्याल रखिए कि ये जो गोश्त है इसको बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं खाना, आपने लस्सी पीनी है, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और ठंडे में रहना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी देखिए कितनी ज्यादा टेम्परेचर है, ऊपर से गोश्त भी ज्यादा खा लेते हैं तो बहुत टेम्परेचर रेज हो जाता है। एक तो हो गया ये पित्त के ऊपर, अब हम फिजियो की दूसरी बात पे आते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है ना इसका मसला होता है गाउट का, कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया तो जो बिग टो है वो बहुत ज़्यादा उनका वो करने लगा, वो चल नहीं पा रहे, या फिर कुछ लोगों को आजकल प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है, तो थोड़ा सा ये आप डिस्क्राइब करेंगे, ये जो पैर का तलवे का पेन है या पैर से रिलेटेड पेन है उसको कैसे वो क्योर कर सकते हैं? अगेन मैं यही कहूँगी कि डिपेंड करता है, बहुत सारी रीजंस होती हैं पाँव के दर्द की या फिर तलवों के दर्द की, डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रहा है, लेट्स फाइंड द रीज़न फर्स्ट। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा समझाती हूँ कि दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द आपका दोस्त है, उसको समझें कि वो कुछ बता रहा है आपको। तो आपको जहाँ दर्द हो रही है पहले तो उसकी वजह ढूंढें कि किस वजह से हो रहा है। अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है तो सबसे पहले आप अपनी डाइट पर देखें, आप जितना बेहतर परहेज कर सकेंगे, जितना उन चीज़ों को जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा रहा है उसको कम करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उतना आप आसानी से, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी मैकेनिकल रीज़न की वजह से हो रहा है, आपका पाँव वो जिसको हम कहते हैं फ्लैट फीट है, आपके पाँव में आर्चेज नहीं है, तो वो एक डिफरेंट रीज़न है। आपको नी का इशू है जिसकी वजह से आपको पाँव में इशू हो रहा है। ज़्यादातर होता ये है कि कमर में इशू हुआ, जो बात समझनी चाहिए हमारे सारे ऑडियंस को और सारे लोगों को, कमर में इशू हुआ, हमें लगता है सिर्फ कमर का इशू है, उसको प्रोलॉन्ग किया, उसकी वजह से हमें हिप में इशू हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम कमर सीधी नहीं कर पा रहे, बहुत देर के लिए खड़े हुए, तकलीफ़ हो रही है, तो टेढ़ा मेढ़ा होके चलने लग जाएंगे, हिप में इशू हो जाएगा। उस हिप के इशू को अभी हमने ठीक नहीं किया, अभी हम कमर पे ही है, उस हिप की वजह से हमारे नी में इशू हो जाएगा। और उसको कंपनसेट करने के लिए जब मैं चल रही होंगी, क्योंकि मैं कमर की दर्द की वजह से टेढ़ा चल रही थी, तो वो नी का मसला हमारे पाँव में चला जाएगा। और हम जब वो हमारे पास आते हैं, मसले इतने सारे बढ़ चुके होते हैं कि वो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पाँव में दर्द है, जब हम असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है मसला शुरू कमर से हुआ था और अब पाँव तक पहुंच गया है। तो अगर मैं कमर उसकी ठीक करूंगी और उस वो कमर के ऊपर अपने काम करेगा तो उसका पाँव खुद बखुद ठीक हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि वजह ढूंढें उसकी, और अगर छोटी मोटी एक्सरसाइजेज जो मैं प्लांटर फेशियाइटिस के लिए बता सकती हूँ, जिनके पाँव बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं उनको होता है, या ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स को होता है, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारी औरतें ज़्यादा हील्स पहनती हैं या ज़्यादा चलती फिरती हैं, खड़ी रहती हैं, उनको होता है, लेकिन आम बच्चों में भी हो सकता है कभी कभार। उसके लिए सबसे अच्छा हल ये है कि आप एक बॉटल, छोटी बॉटल पानी की फ्रीज़ करें, उसको ज़मीन पर रखें, उस फ्रोज़न बॉटल को, और उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देके, प्रेशर देके उसको रोल करें। एक, उससे वो सख्ती जो है, वो इन्फ्लेमेशन जो है, जलन जो है, वो कम होगी, दूसरा वो जो आर्चेज हैं वो रिलैक्स होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें अपने टोज को आप बेंड कर रहे हो, जैसे कोई टिश्यू पेपर ज़मीन पर बिछा दें, जी, कोई टिश्यू, कोई कपड़ा, और उसको अपनी टोज से मोड़ने की, पकड़ने की कोशिश करें, उससे भी होंगी। अगेन किसी भी दीवार के खिलाफ अपने पाँव को रख के, उसके अगेंस्ट अपने पाँव को रख के, और उसके ऊपर सीधे टांग रख के भी
हाँ जी बिल्कुल, आप उसके अगेंस्ट प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके जो पाँव का जो नीचे तलवा है, जो सोल है, उसके ऊपर। तो ये कितने दिन में जो आपके पाँव के तलवे का दर्द है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे उन्होंने मेंशन किया हील पहनने से, चलने से, बहुत ज़्यादा जो ड्राइवर्स हैं जो लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, आजकल रश में तो हर कोई लॉन्ग ड्राइवर बन गया है, तो वो जितना प्रेस करते हैं तो उनको फिर ये दर्द जो है वो काफ़ी शुरू हो जाता है। तो उन्होंने उसकी तीन एक्सरसाइजेज बताई कि आपने आइस के ऊपर, आइस के बॉटल के ऊपर रोल करना है, दूसरा आपने कहा कि टोस से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करनी है, तीसरा उन्होंने कहा कि दीवार के अगेंस्ट आपने प्रेस करना है। अब इसी तरह से बहुत सारे लोगों को अर्कन निसा भी होता है, जैसे हम शियाटिका कहते हैं, जो दर्द बिल्कुल ऊपर तक जाना शुरू हो जाता है और आजकल बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है क्योंकि हर कोई जो है कभी किसी पोस्चर में सो रहा है, किसी उसमें। तो इसके लिए क्या है हल? बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल अगर हम 10 पेशेंट्स देख रहे हैं दिन में, तो उन 10 में से 8 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बैक पेन और शियाटिका की कंप्लेन के साथ आते हैं। कुछ फॉल्स भी होते हैं, फॉल्स शियाटिका जिसको हम कहते हैं, कि असल में शियाटिका नहीं है लेकिन शियाटिका जैसे सिम्टम्स शो कर रहा होता है। तो और ज़्यादातर इसलिए भी क्योंकि ये जो ह्यूमिडिटी वाला वेदर है उसमें हर वो कंडीशन जो इन्फ्लेमेटरी होती है, जो तकलीफ दे होती है, जहाँ पर नर्व इन्वॉल्व होती हैं, वो थोड़ी फ्लेयर अप हो जाती है। चलिए एक कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है? मिसेस फहीम मुफ्ती बोल रही है इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक जी सबको, सब सुनने वालों को, पीटीवी वालों को। बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगे आज? आप स्किन के हवाले से भी पूछ सकती हैं या फिर जोड़ों के दर्द वगैरह के हवाले से भी पूछ सकती हैं, कोई भी। दोनों, मैंने कुछ गर्मी के बारे में ही पूछना है कि अगर एक पसीना आया हुआ होता है थकावट से उससे और इंसान बैठ नहीं सकता जी, बिल्कुल स्टिल हो जाती है कमर, तो उस वक्त फौरी तौर पे पानी पीना चाहिए, क्या करना चाहिए नॉर्मल बंदे का? और दूसरा, आंखें में जलन होती है गर्मी की वजह से, नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का प्लीज अगर कुछ है तो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी रेगुलर हमारी कॉलर है, बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है हर प्रोग्राम देखती है और सुनती है और फिर कॉल भी करती है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जब जैसे गर्मी में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो बहुत सारे लोग जैसे एसी ऑन कर लेते हैं फौरन, या फिर गाड़ी में भी बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई गर्म सर्द हो जाता है। अब वो कह रही है कि जब बहुत पसीना आना शुरू है तो इमीडिएट आपका मेजर क्या होना चाहिए? क्या आपको पानी पीना चाहिए, क्या आपको ग्रेजुअली अपनी बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आई वुड से ग्रेजुअली करें, एकदम से जो हम गर्म से ठंडे में शिफ्ट होते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो एकदम से स्टिफ हो जाते हैं। एक बॉडी का मैकेनिज्म है नेचुरल कि वो उसे लगता है कि कोई ख़तरा है, एक इतनी जल्दी से जो प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, जो दर्जा हरारत ड्रॉप हुआ है मेरा, तो मेरे लिए ख़तरा है। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म के बॉडी अपने आप को, अपने रगों को, सारी बॉडी के जितने टिश्यूज़ हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाद में जो है ख़तरनाक उसके असर होते हैं हमारे ऊपर और वो अच्छे नहीं होते, और वो आपको बॉडी एक्स देते हैं, आपको आपका आपको लगता है कि यू नो कुछ गलत, एनजाइटी हो रही होती है, नींद आना अच्छी नींद नहीं आती। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को ग्रेजुअली कूल डाउन करें। अगर आप बहुत गर्मी से आए हैं तो डायरेक्ट एसी में ना जाएं, थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे बैठें। पानी वो कह रही है पीना, पानी चाहिए, तो पानी मेरा ख्याल है पी लेना चाहिए, आहिस्ता करके आप एग्जैक्टली पानी हम सब तब मना करते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज के हवाले से कहूँ, पानी तब मना करते हैं कि एकदम से ना पिए, जब आप बहुत तेज कार्डियो कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका दिल की धड़कन बहुत तेज हुई हुई है और आपने साथ ही पानी पी लिया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लेट से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे लेकिन आप गर्मी से आए, तो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए पानी पीना बिल्कुल, और आजकल तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी को शिकंजबीन वगैरह, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो बना के रख लें, जो भी सीजनल फ्रूट है उसका भी आप जूस बना के निकाल के रख सकते हैं और वक्तन फवक्तन आप पीते रहें, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात जो निकल रहे हैं पसीने के साथ वो जो है ज्यादा से ज्यादा तक रेप्लेनिश हो सके। उन्होंने बात की कि आंखों में जलन होती है, तो आंखों में जलन के लिए भी यही है कि एक तो बाहर जाते हुए तेज हवा में लू ना लगे या फिर धूप ना लगे, तो आप सन शेड्स या ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स भी मिलते हैं, उनको भी आप वक्तन फवक्तन डाल सकते हैं। ठंडे पानी को आप जो है उसकी छींटे ले सकते हैं, या फिर रोज वाटर, ठंडा बिल्कुल खालिस जो रोज वाटर है उसको भी आंखों के अंदर आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ये जलन ना हो, पसीना बहुत ज्यादा ना आए। इसके लिए भी बेस्ट यही होता है कि एक तो कूल प्लेसेस में रहे और ऐसे कपड़े पहने जो बिल्कुल लूज हो और कॉटन के हो, और फिर कुछ एंटी पर्सपिरेंट्स होते हैं। एंटी पर्सपिरेंट्स का वो मतलब है कि आप उनको अगर अपने बगलों वगैरह में लगा लेते हैं तो उससे फिर एक तो पसीना ज्यादा नहीं आता और उसमें स्मेल भी नहीं आती। तो जो डिओड्रेंट्स हमें मार्केट में मिलते हैं उसके अंदर भी एलम होता है, और हम अगर देसी तरीके पर जाएं तो हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को आप पीस कर
कर जो है उसके साथ आप पानी में घोल के या अरके गुलाब में घोल के फिटकरी को एक स्प्रे बना लीजिए, या फिर उसको रोल करना चाहें तो उसी फिटकरी को पकड़ के रोल कर सकते हैं सुबह नहाने के बाद, तो भी पसीना काफ़ी कम आता है। और अगर हम बाकी मज़ीद ऐसे प्रोसीजर्स की तरफ जाने की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हाथों में बहुत पसीना आता है और पूरे भीग जाते हैं, तो वो बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं। ये कॉस्मेटिक नहीं, ये थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स एक टॉक्सिन होता है जो बेशुमार चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे माइग्रेन या हेडेक, बहुत ज़्यादा अगर किसी को सर में दर्द होता है उनको, या बहुत ज़्यादा स्पैस्टिसिटी तब भी हो जाता है, तो उसी तरह वो करवा सकते हैं। कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहां से? अब्दुल्ला खान बोल रहा हूं, शमाली वजीरिस्तान। ईद मुबारक हो आपको, कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ईद मुबारक, डॉक्टर साहब को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बताइए क्या सवाल पूछेंगे आप? सवाल ये हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि हमारे कमर में दर्द था, हमने एक्सरे भी करवाया, दर्द पांव में है। अच्छा, कौन से पाँव में है? दाएं हाँ पाँव में दर्द है, लेकिन हमने यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने एक्सरे किया और एक्सरे में हमारे कमर में मसला आ रहा है। अच्छा, किस तरह का दर्द? अच्छा, किस तरह का दर्द है, मतलब हर वक्त रहता है, कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, वो बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, हाँ आपको बताओ, हमारे पाँव का सर भी हो रहा है, एक पाँव का सर बस वो दंडक हो रहा है, एक पाँव का नीचे वो ताले का ऐसा। अच्छा ठीक है, और उम्र बता दीजिए अपनी। उम्र तकरीबन 32-33 साल हो। और आप काम क्या करते हैं? दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं, ठीक है, चलिए अब आप सुनिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उनके एक पैर में मसला है, नीचे तलवे में ज़्यादा मसला है, 33 इयर्स हैं, डायबिटिक वगैरह भी नहीं है, दुकान में रहते हैं, दुकान, और उनको बताया गया कि भाई कमर का भी मसला है जो, तो अब इनके लिए क्या है आइडियल प्लान? पहली बात ये कि हम आपसे आपके काम का सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हमसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इस वजह से ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जो उनके काम की नौइयत है वो किस तरह की है, क्या वो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, क्या वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, क्या वो ज़्यादा देर चलते रहते हैं, तो इस वजह से हम काम का पूछते हैं, तो कोई बुरा ना मान नहीं, जाए। बुरा नहीं मानते, उनको पता है आप इसलिए पूछ रहे हैं। okay. और रही बात इसकी कि अभी वो बता रहे हैं कि मुझे पाँव में मसला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो कमर की बात है, कमर की वजह से, तो यही बात शायद हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले, और वो ये बात है कि जो पाँव में दर्द हो रहा है, हो सकता है कभी कभार ये होता है कि जब हमारी कमर में दर्द होता है तो पेशेंट क्या करता है, उस दर्द को प्रिवेंट करने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए अपना वजन एक तरफ शिफ्ट कर रहा है, एक तरफ शिफ्ट कर रहा होता है, इसलिए जानबूझ के नहीं कर रहा होता। जब हम एक्टिव दर्द में होते हैं, एक्टिव पेन में होते हैं, उस टाइम पे हम जरा ऐसे करके चलने लग जाते हैं क्योंकि हम सुकून आता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब हमारा दर्द थोड़ा सबसाइड हो जाता है, ठीक बेहतर हो जाता है, तो हम दर्द को तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमने वापस आना था, हमने अपनी अलाइनमेंट को ठीक करना था, मैं ऐसे चल रहा था, तो वो जो चलना था वो शायद नजर ना आता हो, शायद देखने से, लेकिन वो जो जब पेशेंट खड़ा होगा तो आपको एहसास महसूस हो सकता है कि वो एक पाँव पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, पाँव की शेप भी ऐसी हो जाती है, चेंज हो जाती है, एक साइड पे आपको एक्सरे में भी फील होने लग जाता है, तो ये वजह हो सकती है। बाकी आप अपने जूते को देखें, अगर आप बहुत सख्त जूता पहनते हैं तो उसको चेंज करें, नरम जूता पहने, कुछ ऐसा पहने जिसमें अगर आप सारा दिन खड़े में हैं, दुकान में हैं, चल फिर रहे हैं, तो वो आरामदेह हो, जॉगर्स पहने, सॉफ्ट चीज पहने, ऐसा जूता जिसकी आर्चेस हो। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज या पोस्चर कैसा होना चाहिए कि आपकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि अक्सर हम लोग ने देखा है कि हमारे यहाँ लोग यूं करके बैठते हैं या यूं करके बैठते हैं, तो कैसे बैठते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास शायद 80% ऑफ प्रॉब्लम्स जो कमर की आती हैं वो पोस्चर की वजह से आ रही होती हैं, क्योंकि हम लोग उल्टा सीधा बैठ रहे होते हैं। अगर उनकी बात की जाए कॉलर की, तो वो दुकान में बैठते हैं, लाजमी सी बात है, या तो वो किसी कुर्सी में बैठते हैं और ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, तो वो कमर का दर्द ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा कुशन, एक छोटा सा तकिया अपनी नीचे जो लोअर बैक है उसके नीचे रखें, उससे क्या होगा कि आपकी जो बैक की आर्च है, जो नेचुरल कुदरती एक बना हुआ है, एक कर्व बना हुआ है, वो मेंटेन रहेगा, वो सही रहेगा, और जब भी आप अपनी लोअर बैक के नीचे कुछ रखते हैं, आपकी अपर बैक खुद ब खुद स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। बहुत ज्यादा देर के लिए सीधा बैठना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा देर के लिए झुकना भी अच्छा नहीं है, कुछ चेंज करते हैं। बिल्कुल, आप हर 30-40 मिनट के बाद अगर आप बैठे हुए हैं तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए थे, अगर आप बहुत देर से खड़े थे तो 30-40 मिनट के बाद
आप बैठ जाएं, सुकून करें, तो अपना पोस्चर चेंज करें। तो डॉक्टर साहिबा ने भी जैसे बताया, अपनी अलाइनमेंट सीधी रखें, पीछे कुशन रख लें और अपना जूता फिक्स करा लें ताकि आपकी एक जो है ना अलाइंड हो आपकी स्पाइन। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही है, कहाँ से? लैया से बात कर रही हूँ, अफीफा बतूल। ईद मुबारक हो आपको, कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। क्या सवाल पूछेंगी आप? मेरे मुंह पे ना दाने बनते हैं बहुत ज्यादा, मेरी आपी के मुंह पे भी, मतलब उसका बता दें आप। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 15। अच्छा, सारे जितनी भी 15 ईयर ओल्ड हैं, 13 ईयर ओल्ड है, भाई जब टीनेज में इंसान आता है या फिर औरत टीनेज में आती है, मर्द भी टीनेज में आते हैं, या फिर जब बड़े जब जवानी ढलना शुरू हो जाती है 45 में, तो बहुत सारे हार्मोनल मसले होते हैं आपके अंदर, और जब हार्मोन्स के मसले आते हैं तो दाने होना बड़ा ही नेचुरल है। अब आप आराम से जो है वो आंसर सुने, थैंक यू फॉर कॉलिंग, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन टीनेज के लिए भी सबसे बेटर ये है कि आपने एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश हमेशा वो सेलेक्ट करें जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड मौजूद हो, कोई भी ले ले, उसको पढ़ें भाई सैलिसिलिक एसिड है तो मैं वो यूज करूं। उसके बाद यूज करने के बाद आप एक माइल्ड एंटीबायोटिक क्रीम जैसे क्लिंडामाइसिन होता है वो आप अपने फेस के ऊपर लगा सकती हैं एज अ सीरम, वो बहुत अच्छा है, या फिर कुछ और सीरम्स हैं जैसे नायसिनमाइड प्लस जिंक सीरम है वो बहुत अच्छा होता है, या फिर एजोलाइक एसिड वाली क्रीम्स वो अच्छी होती हैं, और सुखाना हो अगर पिंपल को तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम लगा सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें बताती चलूं कि बहुत सारे लोग जो एक्नी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग आइसोटी रेटिनोइन मेडिकेशन लेते हैं, उससे क्या होता है 4 से 6 महीने उन्हें रोज वो गोली लेनी पड़ती है, स्किन तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है लेकिन उसका आपकी जिगर पे भी बहुत असर होता है, अगर बच्चे पैदा करने हो तो उस पर भी असर होता है, और आपकी जिल्द बहुत ज्यादा हसास होकर पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है, और फिर जब शुआएं पड़ती हैं सूरज की तो वो मजीद और हमेशा के लिए काली हो जाती है। तो क्विक फिक्सेस में आपने नहीं जाना, अगर आप ढेर सारा पानी पिएंगी, आप नॉन कॉमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगी, ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करेंगी जिसके अंदर ऐसी चीजें नहीं होंगी जो क्लॉक करती हैं पोर्स को, अच्छी तरह से अपना मेकअप उतार के अच्छी तरह से मुंह धोएंगी हर दफा, और मुंह धोने के बाद आपने मुंह धोना है सैलिसिलिक एसिड वॉश से, ऊपर फिर लगा लेना है जैसे मैंने आपको बताया जो क्लिंडामाइसिन हो गई, बेंजोइल पेरोक्साइड, नायसिनमाइड, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन केयर रिजीम में शामिल होने चाहिए। हैवी वेट मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाने, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एंड अच्छी सी ऑयल फ्री सनस्क्रीन। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा स्वीट और प्रोसेस्ड चीजें आपने नहीं खानी, जितना ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं ना वो किसी भी और चीज से बेहतर होता है। तो जितने भी बच्चों को या बड़ों को ये वाले पिंपल्स का मसला है प्लीज इसी को फॉलो करें, एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ आपने नहीं जाना। अब अगली चीज की तरफ आते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन जो हैं बिल्कुल ही जैसे ही बूढ़ी होती हैं, मतलब बूढ़ी भी नहीं होती, 30-35 क्रॉस करती नहीं, कि वो अपने घुटने पकड़ के बैठ जाती हैं, और घुटने की वजह से वो कहती हैं भाई मैंने नमाज, अभी मैं देख रही थी ईद की नमाज पे इतनी सारी यंग औरतें भी, उन्होंने जो है वो कुर्सी पर नमाज पढ़ी। अच्छा, कॉलर से ले लेते हैं और उसके बाद आपके वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है काइंडली, और उसका थोड़ा तफसीलन जवाब दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मैं उसको राइट डाउन कर लूं आपके जवाब को। अच्छा ठीक है, बताइए जी। सवाल ये है, एक तो मुझे हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में पूछना है कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती हो, ठीक है, तो उस अंगा आर्म्स उसके लिए क्या तरीके कार हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो हाइपर हाइड्रोसिस है, ठीक है। सेकेंडली बच्ची है, एज 22 ईयर्स एज है, मिक्स कनेक्टेड टिश्यू डिसऑर्डर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बट उसमें सिलसिला उसका जो मसला है वो ये है कि बैठने के बाद जैसी वो उठती है उस लम्हे उसको पाँव में नमनेस आती है और पेन उसको होता है पाँव में, राइट लेग में ज्यादा होता है, लेफ्ट में कम होता है, हाथों में भी नमनेस आती है, मगर क्या है इशू कि ये सिर्फ इसी जगहों पे है, ठीक है, पाँव में, फुट पे और हाथों में, जो है ना कहना चाहिए कि पाम में और रिस्ट में। एज भी बता दीजिए, एज 22 ईयर्स एज, 22, मगर हो ये रहा है कि वो स्टेरॉइड दे रहे हैं मगर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो जाती है एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेती है, जब वो खड़ी हो जाती है स्टैंड कर लेती है तो वो फिर उसके बाद उसको माशाल्लाह नॉर्मल हो जाती है बिल्कुल, ठीक है।
तो चलने में फिरने में सिर्फ उठने के वक्त उसको नमनेस बहुत ज्यादा होती है जो अनबैलेंस होती है. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जितनी दफा उठती है उतनी दफा होता है ये एवरी टाइम शी गेट्स अप होता है एवरी टाइम शी गेट्स अप. ठीक है हाँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आया यही प्रॉब्लम है या इसको कोई और पोस्चरल इशू है या कोई नर्व कंप्रेशन वगैरह वो पूछना चाह रहे हैं. आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं? जी नर्व कंडक्शन करवाया. नर्व कंडक्शन बिल्कुल सही है. अच्छा कंप्रेशन आपने एमआरआई स्पाइन कराया है उनका? जी एमआरआई स्पाइन मैंने कराया बिल्कुल उनका कराया. वो लेकिन जिस जगह से कराया प्रॉब्ली उन्होंने कहा उसकी रिपोर्ट इतनी वैलिड नहीं है तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहे. चलिए आप फिर सवाल का जवाब सुनिए दोनों का देते हैं. पहले आप थोड़ा सा डिटेल भी बिल्कुल डिटेल में ही करेंगे डोंट यू वरी. और दूसरे नंबर पे अगर आप ये प्रोग्राम मिस भी कर देते हैं तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर है तो आप यूट्यूब के ऊपर पीटीवी न्यूज सेहत सबके लिए देख सकते हैं. तो रिपीट पे आपको जितनी दफा सुनना है आप सुन सकते हैं. ठीक है थैंक यू वेरी मच. चलिए पहले हम मेरा ख्याल है ये मिक्स कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं बाद में मैं हाइपर हाइड्रोसिस को एड्रेस करती हूँ. आप इसका बताइए कि वो बता रहे हैं कि वो जब उठती हैं तो उसको नमनेस फील होती है और फिर शी लूजेस हर बैलेंस. एग्जैक्टली आई हर्ड दैट. लेकिन जो सर बता रहे थे कि उनको जो डिसऑर्डर है वो अक्सर बहुत डिफरेंट सिम्टम्स के साथ शो करता है. कुछ पेशेंट्स को एक तरह के सिम्टम्स होते हैं कुछ पेशेंट्स कुछ और सिम्टम्स बता रहे होते हैं. सो वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि जो इशू है वो इसी वजह से है. अगर उनका एनसीएस बिल्कुल नॉर्मल आया है जो कि उन्होंने कहा कि हमने करवाया है एमआरआई अगर उनको लगता है कि अच्छे नहीं भी हैं रिजल्ट्स तो भी हम एनसीएस इसलिए करवा रहे थे ताकि हम देख सकें कि जो एमआरआई की रिपोर्ट्स पे हमें ट्रस्ट नहीं है क्या वो है. फॉर एग्जांपल कि अगर उनकी कोई नर्व ब्लॉक हो रही है ऊपर किसी स्पाइनल इशू की वजह से तो हम देखना चाह रहे थे एमआरआई पे कि क्या वो वजह वहाँ पर है. तो अगर आपका एनसीएस लेट से क्लियर आ गया है और वो नर्व आपकी ओपन है ऊपर से नीचे तक वो कंडक्शन सही दे रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी स्पाइन में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह और वो ठीक है. और दूसरा साइन ये है कि क्योंकि बच्ची खड़ी हो जाती है और खड़े होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो स्टम्बल अप जो होती है उसके बाद वो ठीक हो जाती है दैट शोज देर इज़ नो नर्व इन्वॉल्व. अगर तो कोई नर्व का इशू होता कोई कमर का इशू होता कोई डिस्क का प्रॉब्लम होता तो वो प्रिवेल करता वो देर तक होता और वो इतनी आसानी से वो सिम्टम्स ना जाते उसको बहुत सारे पोजिशन चेंज करने पड़ते कोई एक स्पेसिफिक उसको पोजिशन सही लगती कि इसमें खड़ी होंगी और फिर मैं अपने आप को इस तरह बेंड कर लूँगी या स्ट्रेट हो जाऊँगी या थोड़ा सा झुक के चलूँगी तो मुझे बेहतर लगेगा. बैलेंस के लिए शी शुड डू एक्सरसाइजेस एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले जिसको पता हो कि उसकी बीमारी कैसी है और कैसे उसको असर करेगी बाद में और अब और उसके अलावा जो भी बैलेंस ट्रेनिंग वो करवाएंगे उसको फॉलो कर. पेशेंट क्या करते हैं बोर हो जाते हैं स्पेशली मुझे लगता है यंग गर्ल्स और यंग बॉयज जो कि इस एज में हो इफ़ दे हैव सम डिसऑर्डर इफ़ दे हैव सम इशू दे विल कम टू यू यू विल टीच देम आप बताएंगे सिखाएंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बोर हो जाएंगे. सो यू हैव टू टेक हर टू समवन जो कि उसको प्रॉपर फॉलोअप कर सके जो उनको एक्सरसाइज सिखा सके घर में. और वो बैलेंस ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप ब्रेन टू बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करते हैं. आप अपने दिमाग को बताते हैं कि जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा ये बैलेंस होना चाहिए मेरा ये पोस्चर होना चाहिए तो आप अपने ब्रेन को रीट्रेन करते हो आप सिखाते हो. तो उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है थोड़ा सब्र चाहिए होता है. अभी तक आई वुड स्टिल से क्योंकि मैं पेशेंट को देख नहीं रही मुझे फिजिकल कंडीशन नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगी ज्यादा. लेकिन अगर तो इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं तो नर्व का प्रॉब्लम नहीं है ब्लॉकेज नहीं है कोई स्पाइन का इशू नहीं है इट्स मोस्ट प्रोबेबली वो जो कंडीशन है वो है और आपको बैलेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइज बेसिकली बैलेंस ट्रेनिंग आपने करनी है. इसको बिल्कुल रिलीजियसली करना है जैसे लोग जिम जाते हैं और सारा कुछ तो आपने इस अपनी जो मसल्स हैं उनको टोन करना है और अपने आप को बकायदा कोऑर्डिनेशन सिखानी है. और इसके लिए रोजाना की आप उनकी एक्सरसाइज रिजीम जो है किसी प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट की असेसमेंट के बाद करवाइए. आपका अगला सवाल था हाइपर हाइड्रोसिस के बहुत ज्यादा पसीना आने के लिए क्या करना चाहिए. हाइपर हाइड्रोसिस का जैसे मैंने आपको पहले बताया एक तो अपना कोर बॉडी टेम्परेचर को कम रखना चाहिए उसके लिए आप ठंडी चीजें खाएं जैसे दही का लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं पुदीने का पानी ज्यादा पिए बहुत ज्यादा बड़ा गोश्त वगैरह अवॉइड करें. ठंडे जगहों पे रहना चाहिए. अगर हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह है तो उसको ट्रीट कराना चाहिए. अब एक और जो ऑप्शन है जो स्पेशली बगलों के लिए है उसको बोटॉक्स इंजेक्शन कहते हैं. तो बोटॉक्स बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है जिसको एक स्पेसिफिक डाइल्यूशन में बहुत छोटी छोटी प्रिक्स के जरिए दोनों अंडर आर्म्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. जब इंजेक्ट करते हैं तो जो पोर्स होते हैं
होते हैं ना आपके पसीने या स्वेट के, वो बेसिकली जो है वो श्रिंक हो जाते हैं और उस तरह से आपको पसीना नहीं आता. अबाउट 9 months के लिए आपका बिल्कुल वैलिड रहता है ये, और फिर 9 months के बाद आप उसको रिपीट करा सकते हैं, बट इट डज हेल्प. तो हाइपरहाइड्रोसिस के लिए ये एक बहुत अच्छा एंड वेरी गुड सेफ ऑप्शन है. उसके अलावा जैसे पहले बताया था, एलम या फिटकरी या फिर इवन आपकी ऊद से मिली हुई राख जो होती है ऐश, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो ऑर्गेनिक, अगर आप उसको भी मल लेते हैं तो भी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना ना आए. अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी नी के ऊपर. हम घुटनों की बात करते थे कि लोग जी बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी यंग एज में भी आपकी नी जो है वो डीजेनरेट हो गया है? ऑलमोस्ट हर कोई वॉकर, स्टाफ कोई ना कोई चीज़ पकड़ के घूम रहा है. जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ये बात बताई जाए. पहली बात, आप हमें ज़्यादातर नज़र आता है नी का प्रॉब्लम उन औरतों में जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं, जो हार्मोनल स्टेज में हो, जिन उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने जैसे कहा हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है. उसकी सबसे बड़ी जो साइड इफ़ेक्ट है हम औरतों में वो यही है कि आपको घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बड़े जो जोड़ हैं उनमें आपको दर्द स्टार्ट हो जाती है. तो वो एक नेचुरल कॉज है. ज़्यादा ओवरवेट की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका अपर बॉडी वेट ज़्यादा होता है उनमें जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम, ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम कहते हैं, वो बिल्डअप हो जाता है. वो एक बीमारी है जिसके अंदर आपकी जो जो नी है वो खोखली होने लग जाती है, वो करीब उसकी हड्डियों में जो पानी है वो कम होने लग जाता है. बहुत सारी सिम्टम्स वो शो कर रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी पेनफुल जो है वो सिचुएशंस हम देखते हैं. नी की एक्सरसाइजेस थोड़ी सी बताइए. बिल्कुल इजी. एक, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये बात हम क्लियर आउट कर लेते हैं. लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगी. एक छोटा सा तौलिया रोल करें. एग्जैक्टली, सी यू नो ऑलरेडी व्हाई आर यू आस्किंग मी. एक छोटा सा तौलिया रोल करें अपने नीज के नीचे रख के, अपनी नीज से उसको प्रेस करें नीचे की तरफ. उससे क्या होगा, आपके जो ये मसल्स है ऊपर वाले वो स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग होने का मतलब है कि वो ज़्यादा वजन आपके जोड़ के अंदर नहीं भेजेंगे, वो मसल आपके स्ट्रेंथन होंगे. उसके अलावा कोई भी बेल्ट बांध लें अपनी लेग्स के अराउंड, और फिर अपनी लेग्स को, पाँव को साथ रखते हुए अपनी लेग्स को ओपन करें, खोलने की कोशिश पीछे की तरफ, हाँ जी बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करें. लेकिन वो बेल्ट आपको अलाउ नहीं करेगी, होगा आपके साइड के मसल्स स्ट्रांग होंगे. फिर अपने लेग्स को फोल्ड करके, जो आपने टावल बनाया हुआ था, रोल बनाया हुआ था, उसको अपनी टांगों के बीच में रखें, अपने नीज के बीच में रखें, और उसको प्रेस करें अंदर की तरफ प्रेस करें, तो आपके जो इंटरनल जो मीडियल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे. तो ये तीनों एक्सरसाइजेस. और दूसरा, थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक कर लेना अच्छा है आपके लिए. 10-15 मिनट की वॉक हर बंदे को करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें लगता है क्योंकि हमें नी का प्रॉब्लम है तो हम बैठ के नमाज पढ़े. आप जितना एक्टिविटीज़ को अवॉइड करोगे उतना ज्यादा वो मसला बढ़ेगा. बेसिकली आपके जॉइंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करना छोड़ दें तो वो जंग आलूदा हो जाती है, उसे जंग लग जाता है और फिर वो नहीं चल सकती. उसी तरह से आपने भी अपने जॉइंट्स को हमेशा हरकत में रखना है, और क्योंकि हम लोग वॉक नहीं करते, हम ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते, लिहाजा हम जो है वो रह जाते हैं और फिर हमें सहारों की जरूरत पड़ती है. तो आज ही आपने वो तौलिए का रोल बना लेना है, अपने घुटनों के बीच में रख के प्रेस कीजिए, नीचे रख के उसको प्रेस कीजिए, और फिर आपने दूसरा एक्सरसाइज कौन सी बोली थी, बेल्ट को इस तरह से टाई कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने नीज को मूव करे, तो आपके नीज स्ट्रेंथन हो जाएंगे. अपना विटामिन डी कैल्शियम लेवल का भी खास ख्याल रखिए, और अच्छी डाइट लेना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी. कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहां से? मैं नसीमुल्लाह अफरदीर से. जी, आपकी ईद मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा. बहुत बहुत ईद मुबारक. चलिए मैडम बताइए अपना मसला. मैं डॉक्टर साहब, मेरा ये मसला है कि 12-13 साल हो गए मेरे पट्टों में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं. जब वजनी काम करता हूँ तो बहुत ज्यादा मसला होते हैं. पट्टों में दर्द होता है इनको और वजनी काम से ज्यादा होता है. उम्र कितनी है? मेरी उम्र 37 साल है. कितनी? 37 साल. 37 साल उनकी उम्र है. ठीक है, और कोई सवाल पूछ सकेंगे? आपको शुगर है? यही मसला था. मैंने शुगर है, शुगर, ब्लड शुगर, डायबिटीज है, डायबिटीज? सर अच्छा
चलिए पट्ठों में इनके मसला है, तो पट्ठों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए ये बताइए। ये बहुत ज़्यादा लोग इसको आजकल गलत तौर पे फ्रोजन शोल्डर भी कह देते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, हाँ नहीं नहीं ही हैज यहाँ से पट्ठों में दर्द जब ये कहते हैं तो इसका मतलब है इनके कंधे जो है ना वो बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं। ओके ऑलराइट, सो अगेन पोस्चर की वजह से हो सकता है, अगर वो कह रहे हैं मैं हैवी वजनी काम करता हूँ तो हो सकता है वो अपने शोल्डर पे कुछ लिफ्ट करते हैं, हम पूछ नहीं सके कि वो करते क्या है, तो वो अपने शोल्डर्स पे कुछ लिफ्ट करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा वजनी काम जिसमें वो आगे की तरफ कुछ उठाते हों जिसकी वजह से उनका पोस्चर इस तरह का हो गया हो, या उनके पट्ठे जो हैं या मसल्स जो हैं वो इतने स्टिफ और खिंचे हुए हों कि उसकी वजह से उनको पेन हो रही है। तो हर वो प्रॉब्लम जिसमें आपको स्टिफनेस फील हो रही है आप उसको अपोजिट लेके जाएं। फॉर एग्जांपल हम आगे की तरफ अगर बहुत काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, खींच रहे हैं अपने मसल्स को, तो अपनी शोल्डर्स को पीछे लेके जाएं, अपने जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको करीब लाएं, अपने चेस्ट को स्ट्रेच करें, ये जो अपोजिट मसल्स हैं उनको पीछे की तरफ ओपन करें तो आपको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा उल्टा लेटना, अपने चेस्ट के नीचे दो तकिए रखकर उल्टा लेटने से आपकी लोअर बैक आपकी अपर बैक रिलैक्स होती है। आप उल्टा लेटें, अपने चेस्ट के नीचे दो तकिए रखें, अपने हाथों को तकियों के आगे रखें, अपने सर को ऊंचा रखें, अपनी गर्दन को उठा के रखें, तो आपकी चेस्ट एक तरह से राइज हुई होगी और आपकी लोअर बैक जो है वो उसमें कर्व आया हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज उन्होंने बताई हैं कि उल्टा लेटना है और पीछे की तरफ अपने कंधों को करना है। आप अपना विटामिन डी का भी टेस्ट करा लीजिए, अगर विटामिन डी की कमी है तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेंगे तो भी आपको बहुत हेल्प करता है। जितने भी जोड़ों के मसले हैं उसमें विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपके ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, MSM, ये सारे वो इंग्रीडियंट्स हैं जो आपके सप्लीमेंट्स में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। अब एक सवाल जो बार बार आ रहा है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से वो है कि ऑयली स्किन जो हो जाती है, मतलब आपकी कुछ लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा उस पर तेल निकलना शुरू हो जाता है, तेल की दुकान होती है ऑलमोस्ट, और उनके मसाम खुल जाते हैं, ओपन पोर्स होता है, ऑयली स्किन होता है, उन्होंने क्या करना है? तो जितने भी, और ये जो पसीना, आपको लगता है कि ये मुँह पर पसीना आ रहा है? देखिए मुँह पर पसीना और मुँह पर ऑयल दो फर्क चीज़ें हैं। कुछ लोगों के मुँह पर पसीना आता है और उसका जो है बेसिकली जैसे वो खाते हैं या चबाते हैं तब भी उनके मुँह पर पसीना आने लगता है, वो एक नर्व होती है, उस नर्व को आपने उसका करवाना होता है, इंटरवेंशन करानी होती है, तब वो सही हो सकता है। लेकिन ऑयली स्किन और पसीने को बहुत ज्यादा लोग मिक्स भी कर लेते हैं। उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जो आप फेस वॉश यूज करें उसके अंदर या तो टी ट्री ऑयल हो या फिर सैलिसिलिक एसिड हो, आपने मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश नहीं यूज करने बल्कि जो ड्राई आउट करते हैं ऐसा फेस वॉश यूज करना है, और आपने रेगुलरली अपने फेस को वॉश करना है, और ये नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा थिक कॉमिडोजेनिक या क्लॉगिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्लॉटिंग पेपर भी एक चीज मिलती है वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपने जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि जो चीज एक्ने के लिए ना, एक्ने भी बहुत ज्यादा ऑयल की वजह से होती है, पिंपल्स भी, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स करने हैं जो उसको ड्राई आउट कर देते हैं या मसाम को कम या श्रिंक कर देते हैं, और उनके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स हैं AHA BHA के नाम से, जितने भी आपको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या नायसिनामाइड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके ये जो खुले मसाम या पोर्स जो लग रहे होते हैं, बुरे लग रहे होते हैं ना, ओपन पोर्स की स्किन लग रही होती है, उसके अंदर गंद फंस रहा होता है, उसमें हेल्प करते हैं। फिर आप अच्छी सी क्लेंजिंग करें अपनी रूटीन के अंदर एक अच्छे स्क्रब के साथ, माइल्ड क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन जिसे कहते हैं हम, कि हमने ना सिर्फ गर्द और वो गंद को निकाला बल्कि टॉप लेयर्स को आप थोड़ा सा निकालते हैं और उसके ऊपर से आपकी फ्रेश स्किन आ जाती है। आप रेगुलरली इस तरह की रूटीन यूज करें जिसमें टोनिंग हो, जिसमें आप क्ले मास्क, मुल्तानी मिट्टी का मास्क आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आप विटामिन सी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा AHA BHA वाले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी ऑयली स्किन, पसीने वाली स्किन और मसाम वाली स्किन वैसे नहीं दिखेगी। अच्छा, ये उनकी तरफ से क्वेश्चन था, बिकॉज हाँ ऑयली स्किन की वजह से आजकल एक्चुअली बहुत सारे लोगों को सन में जाते हैं और सन की वजह से, और फिर पहले क्रीम्स भी यूज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों को छाइयों का भी बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। तो अभी क्योंकि उन्होंने रिसेंटली फेशियल भी कराया, पील्स भी करा ली, इतनी तरह तरह की क्रीम्स, फिर सूरज में चले गए और फिर हमेशा के लिए वो जो है ना ब्राउन ब्राउन पैचेस लेकर आ जाते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम चले एक किसी फिजियो के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमने बात की थी कमर दर्द की, आपने मुझे बताया, तो कमर दर्द के ऊपर कौन सा आइडियल मैट्रेस होना चाहिए और क्या आपका स्लीपिंग पोस्चर होना चाहिए, ये थोड़ा बताइए।
ये बात मैंने बहुत सुनी, ये सवाल मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट से सुना है कि कौन सा मैट्रेस यूज़ करना चाहिए और किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो पोजीशन कोई एक आइडियल नहीं होती, जो शायद आपको कंफर्ट दे रही है वो शायद मेरे लिए आइडियल ना हो। कोई ऐसी स्लीपिंग पोजीशन नहीं है टिपिकल जिसमें मैं कह सकूँ कि यही सबको आजमाना चाहिए। कुछ लोगों को फ्लैट लायर्स होते हैं, वो सीधा लेटते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। कुछ लोग साइड पर सोना पर प्रेफर करते हैं, उनको उसमें नींद आती है और वो भी बिल्कुल ठीक है। और चेस्ट सॉरी स्टमक पे सोना आई वुड से कि अवॉइड करना चाहिए, कि आप उल्टा सोते हैं तो आपके हार्ट पे प्रेशर आता है, आपके ऑर्गन्स पे आता है और वो आपके लिए कोई नॉर्मल अच्छा नहीं है। बाकी साइड पे सोना, अपने नीस के बीच में कोई तकिया रखना या अपने सामने तकिया रखना, उसके ऊपर अपना पाँव डालना, बहुत अच्छा पोस्चर है सोने के लिए। अब अगले कॉलर की जानने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी, क्या पूछेंगे आप? मेरे कमर के निचले हिस्से में और टांग में और एड़ियों और घुटनों में दर्द है, हर जगह दर्द। मैं सीधा होकर चल नहीं सकती। अच्छा, और उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 50 50 ईयर। अच्छा, और ये कब से है दर्द, ये भी बता दीजिए। ये तकरीबन मुझे 2-3 साल से है। 2-3 साल। एक साइड पे है या पूरा जनरलाइज्ड है? मेरे ना बैक में, ये निचले हिस्से में, निचले वाले पोर्शन में दोनों टांगों में जा रहा है आपके दर्द? दोनों में, एक में लेफ्ट में ज्यादा, राइट में कम में ज्यादा। ओके, लेफ्ट में ज्यादा। अच्छा जी, कोई डायग्नोस्टिक? अच्छा, आपने कोई एक्सरे एमआरआई करवाया हुआ है स्पाइन का, कुछ बताया उन्होंने आपको? एक्सरे एक दफा कराया था, थोड़ा सा आपका ना ये मसला है मोरों का मसला। ठीक है, सुबह के वक्त जब आप उठती है तो आपके बदन अकड़ा हुआ तो नहीं होता? जी अकड़ा हुआ है, मैं चल नहीं सकती। ठीक है। तो इन्होंने आपने कोई ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ इन्होंने डायग्नोस करके बताया आपको? मेडिसिन खा रही है? कोई मेडिसिन खा रही हैं आप? बस पेन किलर और थोड़ा सा मसल रिलैक्सेंट। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक तो आपने अपना पूरा डायग्नोसिस कराना है। पहले जाइए डॉक्टर के पास और उनसे सारे टेस्ट करा के देखिए कि एक्चुअल मसला आपको क्या है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से इस तरह की जनरलाइज वो होता है। अब आप उनको वैसे थोड़ी सी एक्सरसाइज रूटीन जो है वो बताइए कि उनके लिए क्या आइडियल है, कि इनकी मॉर्निंग स्टिफनेस एंड इनकी ये जो जनरलाइज पेन है गोइंग टू हर बैक एंड हर लेग्स एंड हर नीज एंड हर एंकल्स, ये ठीक हो सके। बिल्कुल, ज़्यादातर अर्थराइटिक ही लग रहा है जो वो अपने सिम्टम्स बता रही हैं, तो आपको ज़रूर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो रूमेटोलॉजिस्ट है, ताकि वो आपको अच्छी दवाइयाँ दे सकें जो आपको हेल्प आउट करें। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो इस सिचुएशन में इस तरह से हेल्प कर सकती हैं कि वो सुबह में जो उनको स्टिफनेस होती है या जो बिल्कुल अकड़ी हुई होती है बॉडी, उसको रिलैक्स किया जा सकता है। कि जब आप सुबह उठें तो एकदम से बिस्तर से निकलने से बेहतर है कि आप अपनी नी को पकड़ के अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आएं, जिसको हम कहते हैं सिंगल नी टू चेस्ट। एक नी को पकड़ें अपने हाथ से और अपनी चेस्ट की तरफ उसको पकड़ के रखें, वही बात कि उस स्ट्रेच को 5-10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है, या तो गिनती कर लें 1-2-3-10 तक, और फिर दूसरी टांग भी इसी तरह से, तो दोनों नीज को एक एक करके अपनी चेस्ट की तरफ लाना है और उसको पकड़ के रखना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अकड़ जाते हैं ताकि ज़्यादा पकड़ सके, कुछ लोग सांस रोक लेते हैं, अच्छी बात नहीं है, उसको रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को। उसके अलावा आप अपनी दोनों टांगों को स्ट्रेट रख के लेटे हुए, दोनों चीज़ें अभी बिस्तर में ही ले, अपनी टांगों को स्ट्रेट रख के अपनी नीस को एक तरफ गिरा दें और फिर दूसरी तरफ, करवट ना लें, अपनी नीस को एक तरफ और दूसरी तरफ टिल्ट करें, बिल्कुल रोटेट करें, रोटेशन जिसको हम कहते हैं, तो आपको बॉडी जो है आपकी खुलेगी, आराम आएगा। उसके अलावा पाँव को सीधा थोड़ा सा उठा के अपने अपना जो एंकल है, जो पाँव है, उसको अपनी तरफ खींच के रख लें, अपनी टांग को सीधे रखते हुए अपने एंकल को अपनी तरफ खींच के रखें, उसको फिर 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करें, छोड़ दें, फिर 5-10 सेकंड के लिए पकड़ें और फिर छोड़ दें, और खुद एक्टिवली करें। तो ये 3-4 ऐसी छोटी मोटी एक्सरसाइजेज है जो आपको रिलैक्सेशन में, बाकी आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूरा अपना डायग्नोसिस, रूमेटोलॉजिस्ट के पास अपने टेस्ट करवाने चाहिए और इसको ज्यादा मजीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुन लिया, सुबह उठते ही सबसे पहले आपने फौरन नहीं उठ जाना, आपने अपने नीज को अपने चेस्ट की तरफ लेकर जाना है, अपने दोनों नीज को पहले इस तरफ करना है, फिर दोनों नीज को जो है उस तरफ करना है, और तीसरी एक्सरसाइज उन्होंने बताई कि अपने एंकल को आपने यू प्रेस करना है, मतलब आपकी जो अपनी तरफ खींच के अपने पैरों को करना
करना है, या आपके पैरों की हो गई, आपने घुटनों की भी सुनी, आपने आपने हाथों की भी सुनी, और आपने ये भी सुना कि कैसे आपने इस ईद के दौरान, ईद तो आज तीसरा दिन है, छुट्टियां का भी एक और दिन रहता है, इसमें आपने अपनी भूख को थोड़ा सा रखे खाना है, कोशिश कीजिए कि बारबेक्यू आइटम्स पे ज्यादा जाइए, बहुत ज्यादा तरी वाले आपने सालन नहीं खाने, बनाना ही है तो ऑलिव ऑयल के अंदर बनाइए, और साथ आपने लस्सी और दही का भी इस्तेमाल करना है, और खूब बांट के खाइए और खुशियां जो है वो बिखेरिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और डॉक्टर नायला दोनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।